नमस्कार दोस्तों, पुनः आपके साथ में आया हूँ, जुड़ा हूँ आपके साथ। आज मैं पुनः बात करूँगा 95/60 vs 15/70 की। तो मैं इतनी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि इस आपको लगता होगा कि काफ़ी हद तक यह जो 15/70 उसकी तारीफ़ करते हैं, तो उसका कुछ कारण है दोस्तों, क्योंकि किसानों की ये इतनी हितैषी वेराइटी है कि आपको क्या बताऊँ मैं। कि जो 95/60 से किसान इतना परेशान हो चुका था बुआई कर कर के, उसके जो कंपेरिजन में कुछ वेराइटियाँ उसको देखने को नहीं मिल रही थी, ख़ासकर जो अपने आलू वाले किसान भाई हैं उनके लिए। अभी मैं आपको दिखाऊँगा तो इतना फाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, बहुत ही शानदार आपको फल यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा फल। यानी जो वेराइटी है, जो हम पारंपरिक जो शेड्यूल उससे जो बुआई करते हैं, उससे ही यहाँ पर बुआई की हुई, देखिएगा आप ये। और जो इसकी चाल जो हमने रखी थी, हमने 22 केजी जो है पर बीघा के हिसाब से इसकी जो सोयाबीन की चाल है वो रखी थी। यानी आप देखेंगे तो गोड़ के आसपास में काफ़ी जगह है, यानी इस प्रकार से इसको हमने बुआई की थी और बहुत ही शानदार यहाँ पर इसकी बुआई हुई है। और जो फल है इसमें यहाँ पर ऊपर तक आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए रुए वाली जो फली है, थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ, ये जो रुबे वाली फली है इसमें ही आपको देखने को मिलेगी। ये देखिएगा ऊपर तक पूरा फाल लगा और कमर कमर है सोयाबीन आ चुका है। देखिएगा मेरी कमर, ये यहाँ पर कमर कमर है सोयाबीन आ चुका है ना, हाइट भी अच्छी खासी ली है। और जो खेत है, जिस खेत में मैं खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ, यह खेत कोई गहरी ज़मीन नहीं है, काली नहीं है, टकरेली ज़मीन है। यहाँ पर आपको देखेंगे, आपको मैं थोड़ा सा ज़मीन भी यहाँ से ही दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अंदर देखिएगा, फतरीली ज़मीन है ये, पथरीली ज़मीन है, कोई गहरी ज़मीन नहीं है। ये पूरा पत्थर आप उठा सकते हैं ज़मीन में, यहाँ से जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से आप इसमें पूरा पत्थर उठा सकते हैं। ये पूरी पथरीली ज़मीन है, इतनी अच्छी वैरायटी निकली है ये कि क्या बताएं आपको, बस आप देखते रह जाएंगे, बहुत ही शानदार वैरायटी है। और इसकी यदि बुआई आपने 22 से 24 की चाल के आसपास रखी है, तो यह आपको प्रत्येक जगह, यानी खेत के अंदर और खेत के बाहर सभी जगह आपको बहुत ही शानदार बम्पर उत्पादन देने वाली है। बहुत ही शानदार यह किस्म है और इसकी तारीफ़ बनती है, क्योंकि यह बीमारी में येलो मोजेक प्रतिरोधक, जो पीला वायरस आता है सोयाबीन में, उसकी प्रतिरोधी किस्म है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फली के ऊपर रुए हैं और यहाँ पर फल बैठ चुका है, ये रुए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादातर ईल की शिकायत भी देखने को नहीं मिलती। यानी छोटी मोटी ईलियाँ तो इसको खा ही नहीं पाती है। दाने भरने के बाद में बहुत ही शानदार इसमें रिज़ल्ट मैंने देखा है। 2 साल से इसकी बुआई कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मेरे गांव में मैंने ही, जो गिने चुने किसान हैं उन किसानों की लिस्ट में मैं भी था और मैंने इसकी बुआई की थी और बहुत ही शानदार यह वेराइटी निकली है। अभी क्या है कि सोयाबीन को पानी की थोड़ी आवश्यकता है, पानी यहाँ पर गिर नहीं रहा है। खेत में आया था विज़िट करने, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लिया जाए। बहुत ही शानदार दोस्तों, जिन किसान भाइयों को यह वेराइटी आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको यह वेराइटी उपलब्ध हम करा देंगे। और जिन किसान भाइयों ने इस वेराइटी को बुआई की है, आप आपका अनुभव भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, खेत के अंदर में खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा फल यहाँ पर लिया हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।